पड़ोसी देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। हालांकि असम और उत्तर पूर्व में बिल को लेकर विरोध जारी है, जबकि कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह संसद में इस बिल का विरोध करेगी। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना भी इस बिल का समर्थन कर सकती है। गौरतलब है कि पिछले बुधवार को ही मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी और कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि नागरिकता संशोधन बिल में देश के हितों का ख्याल रखा जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब बिल के प्रावधानों की घोषणा की जाएगी तो असम और उत्तर पूर्व और पूरा देश इसका स्वागत करेगा। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल ने भारत में एक बार फिर से पहचान की बहस छेड़ दी है, क्योंकि राजनीतिक रूप से संवेदनशील विधेयक को लेकर विपक्ष की ओर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। दरअसल इस बिल के प्रावधान के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी और कांग्रेस समेत कई पार्टियां इसी के आधार पर इस बिल का विरोध कर रही हैं। तो साफ तौर पर इस बिल को लेकर जो नाराजगी है उसका मुख्य कारण आपके सामने रख चुकी हूँ। मुख्य कारण केवल इतना है कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उन्हें नागरिकता मिलेगी। और इस बात को लेकर शशि थरूर ने भी नाराजगी जाहिर करी और उन्होंने बड़ा बयान में से कहूंगी कि उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये हो जाता है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसका मतलब साफ है कि गांधी के विचारों के ऊपर जिन्ना की जीत हुई है। ये शब्द का इस्तेमाल शशि थरूर ने किया। साफ तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले के लिए शर्मनाक फैसला, उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक कार्य होगा सरकार जो कर रही है। साथ ही उन्होंने वाइस प्रेस का जो है वो आरोप लगाया है कि आप एक पक्ष के साथ गलत कर रहे हैं, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको बखूबी पता है कि कई ऐसे जगह है जहां इसको लेकर नाराजगी व्यक्त करी जा रही है। जो उत्तर पूर्व के लोग हैं उनका भी सामना कहना है कि इससे हमारे कल्चर पे बहुत फर्क पड़ेगा। कई जगह ऐसी हैं जिसको लेकर नाराजगी है, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत बांग्लादेश से, खासकर मैं बात करूँ बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, हमारी सीमाएं काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं और घुसपैठ करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये इलाकों में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे रूट से निकाल लेते हैं कि अपना हमारे देश के अंदर आ जाते हैं। और मैं लगातार ये बात कह रही हूँ कि शरणार्थी में और घुसपैठी में जमीन आसमान का फर्क है। शरणार्थी को लेकर बवाल इसलिए मचा पड़ा है क्योंकि अमेरिका से भी एक रिपोर्ट आई, जो वहाँ के सांप्रदायिक संगठन है, जो वहाँ के धार्मिक संगठन है, उन्होंने जो समिति है उसकी जो इन धार्मिक चीज़ों को देखती है, उस समिति ने कहा है कि भारत जो कर रहा है वो गलत है, वो टारगेट कर रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है, कई पक्षों ने अपनी बात रखी है, उनका कहना है कि मुस्लिम्स को अगर कहीं भी जाना है, बताओ शरणार्थी कहीं जाना है, तो वो 52 देश ऐसे हैं, 92 ऐसे देश हैं जहां वो जा सकते हैं। उन 92 देशों में वो कहीं भी जाएं, सहायता के लिए कहीं भी उनको रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन भारत में केवल हिंदू आएंगे क्योंकि हिंदू हर जगह से छोड़ के आए हैं। तो ये चीज़ें जो है मेंशन करी जा रही हैं, चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है कि अगर आप नागरिकता की बात कर रहे हैं तो नागरिकता का अधिकार तो उन्हें भी मिलना चाहिए। आपको बता दें कि इसके अनुसार जो 11 साल में नागरिकता दी जाती थी, जो व्यक्ति 11 साल किसी भी देश की सीमा के अंदर रहता है उसे नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब जो है वो 6 साल के इसको करने का प्रावधान किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे दो मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराती हूँ, उसके बाद इस खबर पर चर्चा करूंगी। अतुल मिश्रा जी हैं मेरे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ। पंकज रस्तोगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहला सवाल पंकज जी मेरा आपसे होगा, ये जो नाराजगी इस बिल को लेकर सामने आ रही है कि टारगेट कर रहे हैं आप केवल मुसलमानों को, बाकी जो लोग हैं उन्हें राहत पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं, क्या समझेंगे इससे? देखिए काव्या जी, ये नागरिकता संशोधन बिल 1955 के तहत 1955 में हुआ था और उसी को संशोधन ये मोदी सरकार कर रही है जी। इस बिल के पास होने से संसद में 31,380 लोग जो इस समय अभी मतलब अल्पसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक, उनको नागरिक हिंदुस्तान की नागरिकता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। 31,380 लोग उनका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और ये मतलब जैन, बौद्ध, इस तरह के लोग जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपके बांग्लादेश, ये तीन कंट्री से आए। अब सवाल ये आता है कांग्रेस का विरोध किस में? कांग्रेस का विरोध यह है कि वहां के जो मुसलमान भी आए हैं उनको भी आप यहां का नागरिक बनाइए। तो बीजेपी का यह कहना है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को इसलिए कहने का राइट है क्योंकि वो और किसी कंट्री हिंदू कंट्री नहीं है पूरे विश्व में, तो वो कहां जाएंगे? उनको फिर धर्म बदलना पड़ेगा।
और मुसलमानों के लिए 92 देशों का रास्ता खुला हुआ है, वो किसी भी मुस्लिम कंट्रियों में जाके नागरिकता ले सकते हैं। भारत केवल हिंदू वाला देश नहीं है, ना ही इस्लामिक। वो आपका कहना सही है, लेकिन जिस समय सेक्युलर है, जिस समय देखिए अभी काव्या जी एक बात को नोट कर लीजिए, जिस समय 47 में बंटवारा हुआ था उस समय मुस्लिम लोग अपने अपने देशों को जा चुके थे, पाकिस्तान बना पाकिस्तान जा चुके थे, और हिंदू भी पंगत जी गए थे क्योंकि उनकी पैतृक जमीनें वहां थी, घर परिवार वहां था और वहां जा चुके थे। पाकिस्तान में 23% अल्पसंख्यक आबादी थी, बिल्कुल 23% अल्पसंख्यक आबादी का मतलब हिंदुओं की आबादी 23% थी, जो आज घटके 1.6% रह गई है जी। और हो सकता है वो आधा परसेंट रह गई। अब आप हिंदुस्तान की बात करिए, 1947 में 7% मुसलमानों की आबादी थी, जो आज बढ़ के 19% हो चुकी है, तो कहाँ हित कहाँ संरक्षित रहे? 24% तक जा चुकी है पंकज जी, तो आप ये समझिए 18-20% जो आबादी यहाँ पे हो चुकी है, मतलब हम 18% इसलिए कह रहे हैं कि 20-22 करोड़ का जो आंकड़ा दिया जाता है, 130 करोड़ की आबादी में 18 मतलब करीब जो है 22-23 करोड़ का आंकड़ा बैठता है, इसलिए मैं 18% की बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ है मुसलमानों के हित कहाँ संरक्षित रहे? मुसलमानों के हित भारत के हिंदुस्तान में संरक्षित रहे, ना कि पाकिस्तान में रहे। अल्पसंख्यकों की बात करिए, मैं वही कह रही हूँ, आप कह रहे हैं ना कि हित संरक्षित है। हाँ। पाकिस्तान तो अपने आप को पहले से इस्लामिक कंट्री कहता है ना, तो वो हिंदू को सामान्यता बात के अपने में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम ये कह दें कि हम हिंदुत्व वाली कंट्री है जहाँ केवल हिंदू रह सकते हैं, तो सामान्य सी बात है, आप मुस्लिम्स को स्वीकार नहीं करेंगे। वहाँ हिंदू कहाँ गया? वहाँ का हिंदू पता नहीं, वहाँ हिंदुओं ने धर्म बदल के मुस्लिम हो गए, वहाँ का हिंदू कहाँ गया? 23% बदला नहीं है पंकज जी, आप जानते हैं कि बदलवाया गया है, बदलवाया गया, जबरदस्ती की गई उनसे, और 23% जो सिख और जो आपके जैन और भी अन्य समुदाय के हिंदू वर्ग था, वो सब उसके धर्म परिवर्तन करा के 1.6% बचा, 1.6 भी नहीं है बल्कि और कम हो गई। बिल्कुल, ये इतनी बड़ी तादाद वहाँ खत्म हो गई। और हमारे यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष देश है, सबकी आस्थाओं का देश है। हिंदुस्तान में 7% की आबादी बढ़ के 20-22% 18-22% के बीच में है जी। ये आप समझ लीजिए आंकड़ा है, तो हित कहाँ संरक्षित रहे मुसलमानों के? अब आप ये कहिए कि नहीं, विदेशों से जो आप अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो मुस्लिम आए उनको हम नागरिकता दें, उनको रखें, इस बात में बीजेपी सहमत नहीं है। और भी तमाम उनके जो सिपा सलार है, जो भी उनकी गठबंधन की उनकी सरकार है, वो लोग इससे सहमत नहीं है, इसलिए वो लोग इसको लागू करने के पक्ष में नहीं। अब कांग्रेस का विरोध आप देख लीजिए, एनआरसी पे ही चल रहा है। आप क्यों कह रहे हैं कि सरकार इसको पुनर्विचार करे और उस पर ध्यान दे? एनआरसी पे तो पंकज जी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या कारण है विरोध करने का, क्योंकि एनआरसी किसी धर्म के आधार पर तो है नहीं, एनआरसी केवल घुसपैठी के आधार पर है कि अगर वो लोग घुसपैठी निकलते, हिंदू भी हैं और अगर घुसपैठी निकलते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, अगर वो लोग शरणार्थी होंगे और तब जो नागरिक संशोधन बिल है ये उन शरणार्थियों के ऊपर इम्प्लीमेंट होना है और एनआरसी घुसपैठियों पे इम्प्लीमेंट होना है, लेकिन उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि एनआरसी जो इम्प्लीमेंट होगा वो बायस्ड हो जाएगा, घुसपैठियों में जो हिंदू होंगे वो भारत में रह जाएंगे, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। अब एक चीज और है, जो 11 साल में नागरिकता मिलती थी शरणार्थियों को, वो 6 साल में हो जाएगी इस बिल के संशोधन होने से, ये हो जाएगा। दूसरी चीज, 31,380 जो अल्पसंख्यक हिंदू है जो यहाँ पर अभी नागरिकता की आस में 11 साल से पेंडिंग चल रहे, उनकी नागरिकता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा इस बिल के पास होने से। बिल्कुल, तो भारत सरकार ये चाहती है कि ये बिल पास हो और इसका जो है समर्थन हो, और इस हिंदुओं के लिए, ये हिंदुओं का देश है, तो हिंदुओं के देश में हिंदुओं की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी, क्या विदेश में होगी, ये बताइए आप। चलिए अतुल मिश्रा जी, क्या कहेंगे इस बात पर, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है लोगों की। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें एनआरसी में और जो नागरिक संशोधन बिल है इसमें फर्क नहीं समझ में आ रहा है, या फिर क्या दिक्कत हो गई है, क्योंकि एक तो धर्म के आधार पर है, एनआरसी धर्म के आधार पर नहीं है, लेकिन विरोध दोनों का ही बिल्कुल बराबर स्वर्ग से किया जा रहा है। काव्या जी, सर्वधर्म संभाव ये भारत में हमेशा चलता रहा। आप कैसे कह सकती हैं कि मुस्लिम लोगों का विरोध किया जा रहा है? ममता बनर्जी कह रही हैं, सोनिया गांधी कह रहे हैं, और भी विपक्षी दल कह रहे हैं, अगर विरोध किया जाता तो 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1947 से आज 2019 आ गया, क्या हमने मुसलमानों को कौन से कष्ट दे दिए? उनको इस देश की नागरिकता दी जाती है, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, वो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं, यहाँ पर नौकरी पाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, ठीक काव्या जी? बिल्कुल। उसके बाद में अब आप आइए, विरोध क्यों हो रहा है इसके पीछे मैं बताना चाहता हूँ। विरोध इस बात का नहीं है, विरोध इस बात का है कि ये वोटों की राजनीति है। ममता बनर्जी जहां पर कलकत्ता है उसी से लगी हुई सेना है बांग्लादेश की, वहां से आपने देखिए एक शब्द बोला, घुसपैठिया अलग होता है, शरणार्थी अलग होता है, ठीक, वो वहां से घुसपैठिए आते हैं, शरणार्थी नहीं आते हैं।
सीमा को पार किया, वो हमारे देश में आए, वो घुसपैठिए हो गए। क्या हुआ, इन्होंने उनके कार्ड बनवाए और वोट परसेंटेज ऑफ वोट उनकी बढ़ती चली गई ममता बनर्जी की। अच्छा, यही बात सोनिया गांधी भी जानती है, यही बात और विपक्षी दल जानते हैं। इनको वोट चाहिए, इनको सरकार चलानी है, भारत वर्ष का क्या होगा इनको नहीं मालूम। अच्छा, पुराना इनके पास में एक ढोल रखा हुआ है जिसको इन्होंने फिर मढ़वा लिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कुछ करेगी तो तुरंत उस ढोल को मढ़वा के हमें बजाना शुरू कर देना मार्केट के भीतर। लेकिन इनको शायद ये नहीं मालूम कि उस ढोल में जो कड़े लगे हुए हैं वो 1,30,00,00,000 जनता के कड़े लगे हुए हैं। उस जनता ने इस चीज को समझ लिया है कि आप इस ढोल को किस समय मड़वाते हैं और किस समय बजाने की चेष्टा करते हैं। आज आप कहती हो सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, इन लोगों के लिए एनआरसी बिल आ रहा है, मुस्लिम का कहीं नाम नहीं है। अरे मुस्लिम का नाम इसलिए नहीं है काव्या जी, इन विपक्षी दलों को समझना चाहिए। फिर आपकी बात दोहराता हूं, घुसपैठिया और शरणार्थी, इन दोनों का अंतर संसद में जिस दिन इन दोनों लोगों को समझ में आ जाएगा उसी दिन एट दैट टाइम ये आपका एनआरसी बिल संसद में पास हो जाएगा। अतुल जी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर मैं बात करूं तो संविधान में भी शरणार्थियों के लिए मानवता कही गई है कि आप उन्हें नागरिकता मत दीजिए, लेकिन मानवता के नाते उनके रहने का, उनके खाने पीने की व्यवस्था जरूर करिएगा क्योंकि वो आपके यहाँ शरण लेकर आया है। और ये पहचान केवल, अगर मैं पंकज जी बात करूं, केवल भारतीय संविधान की ही है जहाँ शरणार्थी को इतनी ज्यादा रियायत मिलती है जितनी हमारे देश देता है। लेकिन जिस प्रकार की बातें, अब मैं अगर ये कहूं कि शशि थरूर ने जो बयान दिया, आप उसका कंपैरिजन जरा करिएगा। उस कंपैरिजन में उन्होंने कह दिया कि अगर ये नागरिकता संशोधन बिल पास होता है तो फिर गांधी के विचारों पर जिन्ना की जीत होगी। क्या मतलब निकला इसका? ये उनकी घटिया सोच का परचायक है काव्या जी, जी। शशि थरूर जी का, और शशि थरूर जी नेगेटिव बयान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। और वो हमेशा जब भी सरकार का कोई भी संसद में हो, चाहे वो कोई भी फैसला हो, उसके हमेशा नेगेटिव बयान देते हैं, कभी सरकार के किसी कार्यों की वो सराहना नहीं करते कोई भी चीज हो। और ये कांग्रेस की ही नीति रही है कि मतलब हर, लेकिन हर गांधी के विचारों से यहाँ पर जिन्ना का कंपैरिजन करने का क्या हुआ? अब मतलब? गांधी के विचारों से भी उनको वो सहमत नहीं है, अब उसमें वो जिन्ना की जीत बता रहे हैं तो उनका तो उनके भाई हिंदुस्तान में मौलिक आजादी है, कोई भी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। ये उनका कांग्रेस से अभी पूछा जाएगा तो कांग्रेस ये कह देगी ये उनका व्यक्तिगत विचार है, मैं उससे मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, कांग्रेस तुरंत पल्ला झाड़ लेगी। लेकिन वो इस तरह के विचारों के लिए फेमस है, और कोई भी इस तरह की फैसले आते हैं उसमें वो हमेशा संसद में हो चाहे बाहर हो, वो हमेशा चाहे जेएनयू का मुद्दा रहा हो चाहे किसी तरह का कोई मुद्दा रहा हो, हर मुद्दे पे वो नेगेटिव ही बोलने का काम करते हैं। वो किसी चीज़ में पक्ष नहीं लेते हैं, उनको कोई भी चीज़ सरकार की अच्छी नहीं लगती है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार सारी बातें गलत कर रही है, जिस चीज़ का गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, कोई बुरा नहीं, उसका विरोध करिए, विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो कौन विरोध करेगा। लेकिन आप हर चीज़ को एक गलत आईने से देखिए तो ये बिल्कुल गलत है, और ये उनका पुराना रवैया रहा है, और ये इस तरह की जिन्ना की जीत बताना न्यायती शर्मनाक है। बिल्कुल अतुल जी, क्या कहेंगे गांधी के विचार, अगर ऐसा होता है कि मुस्लिम जो लोग हैं उन्हें नहीं नागरिकता दी जाती है और जो बाकी लोग हैं उन्हें नागरिकता दे दी जाती है, तो ये गांधी के विचारों पर जिन्ना की जीत होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करी थी, एक पर्टिकुलर मुस्लिम कंट्री की मांग करी थी, उन्होंने इस्लामिक कंट्री मांगी थी अपने लिए, मुसलमानों के लिए अलग देश मांगा था। अब उनका एक कंपैरिजन, मैं अगर से जितना समझ पा रही हूँ उनका कंपैरिजन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि हिंदू यहाँ रहेंगे, मुसलमान जो बाहर से आएंगे उन्हें यहाँ शरण नहीं दी जाएगी, उनको यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी, इसलिए जिन्ना से कंपैरिजन कर दिया गया। मोदी की मैं बात कर लूँ, मोदी के विचारों के अनुसार या फिर गांधी के विचारों के अनुसार? देखिए काव्या जी, अभी हमारे पंकज जी ने कहा शशि थरूर का नाम लिया, जिस व्यक्ति की बातों का कोई वजूद ही नहीं होता है, वो शाम को कुछ कहता है सवेरे कुछ कहता है, उसको खाली निगेटिव बोलना पॉजिटिव बोलना नहीं है। और कभी कभी उनके वक्तव्य को आपने देखा होगा कांग्रेस के विरोध में भी बोल चुके हैं, बिल्कुल वो उनकी आदत में है, वो हैबिट बन चुकी है। तो शशि थरूर के इस बयान को हम ये समझते हैं कि इस चैनल पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि अपने हमारे इस चैनल का अपना वजूद है और उनकी बात का वजूद कदापि नहीं है। सबसे पहले नंबर पर ये लेकर आइए आप, ये कुछ भी कहते रहे उसको साइड में लगा दीजिए, अगर कोई और नेता कहता, सीजन नेता कहता तो उस बात को लेकर हम चलते। अब आपने जिन्ना की बात की, जिन्ना ने लेकिन अमेरिका ने भी तो कहा अतुल जी, जी अमेरिका ने भी कहा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये अमेरिका ने नहीं कहा है काव्या जी, अमेरिका ने किस बेस पर कह दिया? ये हमारे विपक्षी जो यहाँ पर एक, हमने आपसे कहा ना ढोल लेकर बैठ गए उसको मड़वा के, तो वो यहाँ पर उसको बजा रहे हैं।
उसकी आवाज विदेशों तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसी आवाज का नतीजा है कि अमेरिका ये कह रहा है कि यहाँ यहाँ एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप काव्य जी कैसे कह सकती टारगेट किया जा रहा है भाई, इसके पहले सालों से यहाँ पर मुस्लिम रह रहा है, उसको समस्त अधिकार दिए गए, वोटिंग का अधिकार दिया गया है, वो राजनीति में, वो पढ़ाई में, वो यहाँ ब्यूरोक्रेट्स में, कैसे आप कह सकती कि अधिकार नहीं दिया गया? खाली इस बात के लिए आप कहना चाहती कि वो घुसपैठिए यहाँ पर आकर हमारे देश को बर्बाद कर दे, यहाँ की जनसंख्या को बढ़ाकर चले जाए और यहाँ के जो सालों से रहने वाले व्यक्ति भूखों मर जाए? हाउ इट इज पॉसिबल? ममता बनर्जी को समझ में नहीं आता है क्या कि हम जो कर रहे हैं? कलकत्ता में इतने हिंदू रहते हैं काव्या जी, उनकी क्या स्थिति है? वहां जाकर आप देखिए ये मुस्लिमों को कितना वहां प्रवोक किया जा रहा है, उस चीज को जाकर देखिए। क्यों ममता बनर्जी ऐसे कहती है मैं सीट फिर लेकर आऊंगी? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि मुस्लिमों को वहां बढ़ावा दिया जा रहा है, किस कम्युनिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है जो बांग्लादेश से आकर यहाँ पर रह रही है। तो अगर भारत में आज इतने सालों बाद हमारे देश के मुखिया ने अगर इस विषय को सोचा है और संसद में बिल ला रहा है, तो कहीं ना कहीं हम हिंदू वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, अगर मैं बात यहाँ पर एनआरसी की करूँ तो एनआरसी का लागू होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपके देश से अगर घुसपैठी बाहर निकलते हो, ये बात ऐसा नहीं कि मोदी सरकार ने केवल कही है, ये स्वयं इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि हमारे देश के लिए घुसपैठियां घातक होंगे। अगली खबर करूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि शार्क देशों के बीच अधिक सहयोग के लिए भारत की कोशिशों को बार बार आतंकवाद के खतरों से चुनौती मिली है। जहां पीएम मोदी ने शार्क के स्थापना दिवस पर शार्क सचिवालय को लिखे पत्र में कहा कि क्षेत्र के सभी देशों को आतंकवाद की बुराई और उसका समर्थन करने वाली ताकतों को हराने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए और ऐसी कोशिशों से एक मजबूत शार्क बनाने के लिए अधिक भरोसा मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि शार्क ने प्रगति की है लेकिन और अधिक करने की जरूरत है, साथ ही ज्यादा सहयोग के लिए हमारी कोशिशों को बार बार आतंकवाद के खतरों से चुनौती मिली है। दरअसल ऐसा माहौल शार्क की पूरी क्षमता साकार करने के हमारे साझा उद्देश्य को बाधित करता है। ये जरूरी है कि क्षेत्र में सभी देश आतंकवाद की बुराई और उसका समर्थन करने वाली ताकतों को हराने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। तो साफ तौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने एक पत्र लिखा है शार्क को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आवश्यकता है कि हम कठोर कदम उठाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम कठोर कदम उठाते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं आतंकवाद को डाल दिया जाता है ताकि वो कदम ना उठाया जा सके। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनसे इस खबर पर चर्चा कर लेती हूं। अतुल जी क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं शार्क को भी प्रधानमंत्री मोदी ने इंकित कराया है कि जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं तो कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं आतंकवादी, जिससे वो कार्य जो हम कर रहे होते हैं वो बाधित हो जाता है। इसके लिए हमको सबको साथ आना पड़ेगा, आतंकवाद के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। काव्या जी, मोदी जी आज से नहीं कहते चले आ रहे हैं। बिल्कुल, 15 साल गुजरात में रहे, 5.5 साल यहाँ पर होने को आ गए। मोदी जी ने इस चीज को बहुत गंभीरता से देखा और इस चीज को वो हमेशा उठाते रहे जी। ये शार्क का जो आप पत्र कह रही हैं, इसके पहले भी मोदी जी ने यूएन में भी इस चीज को उठाया, अमेरिका गए वहां उठाया, जर्मनी गए वहां उठाया, जहां जिस देश में गए उस चीज को उठाया, और उस चीज को उठाने का नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलग थलग इस चीज में पड़ चुका है, पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। और देखिए, आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये मुद्दा ये ब्रिटेन में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, जर्मनी में भी होता है, फ्रांस में भी होता है, हर कोई देश इससे अछूता नहीं है। हाँ, बात इतनी जरूर है कि पड़ोसी देश होने के नाते इसका प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के मुखिया को यहीं से सैल्यूट करना चाहूँगा कि आज कम से कम पाकिस्तान को हमारी सीमा में घुसने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि इमरान जो ये नियाजी हैं, ये क्रिकेटर बहुत बढ़िया रहे, इन्होंने गोगली भी खेली और इन्होंने बाउंसर भी फेंकी, सब कुछ फेंकी, लेकिन कभी खेला नहीं। जो एक बॉलर होता है कभी खेलता नहीं है, फेंक सकता है गोगली, बाउंसर फेंक सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे देश की मुखिया की एक गोगली इमरान खान नियाजी के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है, और उस गोगली को समझने के लिए इमरान खान भारती, इमरान खान नियाजी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये सार्क सम्मेलन का पत्र ही खाली बहुमूल्य नहीं है, अब ये देखिएगा धीमे धीमे कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारे देश के मुखिया के माध्यम से नंगा होता चला जाएगा। काव्या जी, बिल्कुल, पंकज जी कुछ चीजें अगर मैं कहूँ और उनको मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उस बात को इसीलिए इंकित किया उस पत्र में कि शार्क को और मजबूत करने की जरूरत है और अच्छे काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये मेंशन किया है कि हम जब कार्रवाई करते हैं आतंकवाद के खिलाफ तो हम पर आतंकवादी गतिविधियां करवाई जाती हैं,
चाहे आप पुलवामा का हमला ले लीजिए, चाहे उसके बाद की कोई भी घटना ले लीजिए, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं हर घटना में पाकिस्तान का हाथ निकलकर सामने आया है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने ना कभी स्वीकार किया था कि उसकी गलती है और ना वो कभी करता है, लेकिन अब एक तरीके से शार्क में जब इंकित कर दिया गया कि हम इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम पर उस दौरान आतंकवादी गतिविधियां कर दी जाती है और बखूबी पूरा अंतर्राष्ट्रीय पटल जानता है कि वो कौन करता है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ बेहतरी की ओर रास्ता दिखेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो ये हमें काव्या जी, प्रधानमंत्री जी का तो हमेशा यह रवैया रहा है, चाहे ब्रिक्स सम्मेलन हो, चाहे सार्क सम्मेलन हो, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं वहाँ पुरजोर तरीके से वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और तार्किक ढंग से उसको पूरी चीज़ें तथ्य के साथ रखते हैं, जिसमें पाकिस्तान हमेशा बेनकाब हो जाता है जी। हमेशा पाकिस्तान को नीचा मुंह देखना पड़ता है और वो उसका कोई जवाब कायदे से बोल नहीं पाता है, नहीं दे पाता है, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री उसका रखते हैं, उसका तर्क रखते हैं आतंकवाद के खिलाफ जी। और आतंकवाद के खिलाफ इस सरकार की नीति भी रही है 2014 से, जब से प्रधानमंत्री इस देश की कमान संभाली है इन्होंने, तब से लगातार खाड़ी मतलब जम्मू कश्मीर में और देश में आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए और बहुत आतंकवादी मारे भी गए जी। उसके उसी के तहत उन्होंने PSA लगा के जो नेता उसका पक्ष ले रहे थे, बहुत से जो समर्थन करने लगते थे, जो जिस तरह की बातें करते थे, उनको भी आज बंद करा रखा है खाड़ी वहाँ आपके जम्मू कश्मीर में जी। तो इनका नजर तो, बंद है वो बंद भी नहीं हो केवल नजर बंद है। तो मुख्य ये प्रधानमंत्री जी का तो आतंकवादी गतिविधियों के पीछे एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब आइए अब सार्क सम्मेलन में, सार्क सम्मेलन में यहाँ के भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, आज बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये आसपास के 6-7 देशों का एक समूह है जो भारत के आसपास के देश है, उनका एक समूह है। सार्क में भारत की उपस्थिति बहुत मायने रखती है और भारत सबसे बड़ा देश है, जो मतलब सबसे बड़ा समृद्धि संपन्न, उतने संपन्नता और सार्क के जो मेंबर हैं उसमें किसी देश में नहीं जी। भारत में जो भारत की जो संपन्नता है वो सर्वाधिक, तो भारत का एक महत्व हो जाता है। लेकिन ये छोटे देश पाकिस्तान टाइप के देश भारत को आतंकवादी गतिविधियों से हमेशा से परेशान करते रहे हैं, और क्योंकि उनको वहाँ पर सत्ता शासन चलाना है, उनको जितनी आतंकवादी गतिविधि यहाँ पर इस तरह की करेंगे वहाँ की आवाम को बताएंगे कि मैं भारत के खिलाफ ऐसा एक्शन ले रहा हूँ, और वहाँ की आवाम भी उसी को देख के बहुत खुश होती है। वहाँ रोजी रोटी कपड़ा मकान से कोई मतलब नहीं रहता है, वहाँ सिर्फ आतंकवाद को प्रमोट करना, और वहाँ जो वहाँ का जो जनरल होता है वो भी इसी बात को पुरजोर तरीके से उठाता है और आवाम को ये बात बताता है, क्योंकि उनको कोई किसी प्रकार का कोई ना प्रोडक्शन करना है पाकिस्तान में, ना किसी प्रकार की कोई गतिविधि करनी है। पैसा उनको विदेशों मतलब इस्लामिक कंट्रीज से अनुदान के रूप में मिल जाता है, पहले अमेरिका बहुत पैसा देता था। इधर भारत की गतिविधि जब से तेज हुई और जिस तरह के प्रधानमंत्री इंडिया के बने मोदी जी, उसके चलते अमेरिका ने भी उनकी तरफ से हाथ खींच लिया, तो आज पाकिस्तान बहुत अपने को ठगा महसूस कर रहा है। पाकिस्तान को पैसे भी नहीं मिल रहे, नहीं वहां तो अमेरिका से बहुत पैसे US से मिलते थे और पाकिस्तान उसी को खर्च करता था, वहां के नेता उस पैसे को। कई देश थे जो आर्थिक रूप से पाकिस्तान की मदद, चाहे महिला वर्ग को लेकर दे दे, शिक्षा को लेकर दे दे, चाहे कई प्रोसीजिंग थी उन सबको लेकर उनको फंडिंग देती थी, ताकि जो कार्य है वो और अच्छे से पाकिस्तान में जो बाकी विश्व पटल के जैसे ही आगे बढ़ सके, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उन चीजों का सदुपयोग नहीं करा। लेकिन वहां के क्यों बंद हुआ? वहां US ने और भी कंट्रीज ने, इस्लामिक कंट्रीज है, उन्होंने देखा, अरब कंट्रीज ने, कि पाकिस्तान को हम पैसा जिस काम के लिए देते हैं वो उस काम में पैसा न लगा के, आवाम की तरक्की में न लगा के वो आतंकवादी गतिविधियों में और उसमें खर्च करता है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो उन लोगों ने और भारत ने भी उस चीज़ को तर्क के साथ और उसको रखा, उस चीज़ के मानस पटल पे, मतलब उसको अमेरिका में और विश्व पटल पे रखा। उसका नतीजा रहा कि जो अमेरिका और अन्य कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को मदद करना बंद कर दिया, आज पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ त्राही त्राही है, पैसे पैसे के लिए परेशान है। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि उनको जो आर्थिक मदद मिलती आ रही थी 20 साल से वो बंद हो गई। मोदी सरकार का ये सराहनीय प्रयास रहा कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो पैसा मिल रहा था उन्होंने उनकी कमर तोड़ दी। बिल्कुल, इसलिए वो ये पाकिस्तान हर मुद्दे पे एक अपने को ठगा महसूस कर रहा और हर जगह बेनकाब हो रहा है। सार्क सम्मेलन चूंकि एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है, सार्क देशों का जो सम्मेलन है उसमें तमाम इधर के खाड़ी के देश हो चाहे आसपास के देश हो, उसके लिए तरक्की के लिए उनके लिए बात होती है और भारत हमेशा उनका सहयोग करता है। चाहे अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान को इंडिया ने बहुत मदद की, आर्थिक मदद बहुत ज़्यादा की, और नेपाल को भी भारत ने बहुत मदद की, उसको हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहता है, इसमें श्रीलंका भी इसका मेंबर है। तो इन देशों को भारत की पुरजोर मदद रहती है, मतलब सबसे सुविधा संपन्न सार्क देशों में भारत। मैं अगर पंकज जी ये कहूँ, उसका कंक्लूजन निकालते हुए कि इस पत्र के साथ एक चेतावनी जो है वो भारत ने दी है कि हमने, क्योंकि अब शार्क में भी मेंशन कर दिया है कि अगर हम आतंकवाद पे कार्रवाई कर रहे हैं
तो तुम हमारे ऊपर आतंकवादी हमले करवा रहे हो, तो चेत जाओ, अभी ऐसा ना हो कि और पटलों पर भी तुम्हारा हकीकत जो है हमें जनता के सामने, देश के सामने रखनी पड़े। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आगे खबरों पर चर्चा करें। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय शौचालय नहीं शौचालय।